नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं नगमा। उत्तर प्रदेश में मौसम चुनाव का है और वीडियो तरह तरह के सामने आ रहे हैं, तभी वीडियो एडिटरों की मांग शायद बढ़ गई है। एक और वीडियो इन दिनों वायरल है जिससे यूपी की सियासत में उबाल है। बरेली के तौकीर रजा का एक मिनट का वीडियो दिखाकर बीजेपी के प्रवक्ता ने आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और एक मिनट का वीडियो, आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ तो होगा खास इस वीडियो में, आप भी देखिए। जिस दिन मेरा नौजवान मेरे कंट्रोल से बाहर आ गया, जिस दिन मेरा कंट्रोल इन नौजवानों को सशक्त हो गया, मुझसे बहुत लोग कहते हैं मियां तुम तो मुर्दिल हो गए, तुम तो कुछ करना ही नहीं चाहते, लेकिन मैं कहता हूं तुम पहले मैं मरूंगा, बाद में तुम्हारा नंबर आएगा। ये है वो एक मिनट का वीडियो जिसे दिखाकर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। कितना खतरनाक है ये वीडियो, बहरहाल इस पर संबित पात्रा ये कहते हैं, सुनिए पहले। इस प्रकार की बदजुबानी करने वालों के साथ प्रियंका वाड्रा खड़ी होती है, और ना केवल खड़ी होती है, उनके समर्थन के लिए गुहार करती है, और आखिरकार उनको समर्थन मिलता भी है। याद करिए, चंद दिनों पहले हमने देखा था कर्नाटक में जब चुनाव हुए थे, तो SDPI जो कि एक पॉलिटिकल फ्रंट है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI का, उसके साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन था। बंगाल में ठीक उसी प्रकार इंडियन सेक्युलर फ्रंट, जो अब्बास सिद्दीकी हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलते थे, उनके पार्टी के साथ गठबंधन कांग्रेस पार्टी ने बंगाल में किया था। तो ये है संबित पात्रा का बयान तौकीर रजा के इस वीडियो पे। ये वीडियो जो आपने देखा वो एक मिनट का है, लेकिन जो पूरा वीडियो है वो इससे बड़ा है। कौन है ये तौकीर रजा, क्यों इतने अहम है ये, कितने उत्तर प्रदेश के सियासत में इनकी दखल है? बरेली शरीफ के मौलाना तौकीर रजा इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल पार्टी के अध्यक्ष हैं। इन्होंने 7 जनवरी को बरेली में सभा करके भाषण दिया। भाषण पूरे 35 मिनट का है जिसका एक मिनट का वीडियो वायरल है, लेकिन बाकी 35 मिनट की रिकॉर्डिंग तौकीर रजा ने पुलिस को सौंप दी है कि पुलिस फैसला करे कि इसमें क्या गलत है। इसको आधा काट के दिखाया गया है। अच्छा, आधा काट के, और आधा सच झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। हमारे नौजवान हमने कंट्रोल में करके रखे हुए हैं, हम लड़ना नहीं चाहते, हम मरने को तैयार हैं अपने देश की एकता और अखंडता के लिए, अपने देश में शांति बहाल रखने के लिए हमारे नौजवान अपना खून देने को तैयार है, और अगर लड़ने का ही शौक है तो लड़ाई हमारे खून में है, हम लड़ने को तैयार हैं, लेकिन हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते। हमारे साथ अगर लड़ना है तो हमारे साथ चलो चीन के बॉर्डर पर। हमारे अंदर इतनी हिम्मत भी है और ताकत भी है कि हम चीन से मुकाबला करके कैलाश मानसरोवर फतेह करके हम अपने हिंदू भाइयों को तोहफे में देने को तैयार हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि 7 जनवरी को दिए गए भाषण में से एक मिनट का ये वीडियो 12 दिन के बाद इतना वायरल क्यों हुआ, कैसे हुआ? हर पार्टी और हर नेता के अपने अपने हिस्से के वीडियोज हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव का आगाज हो चुका है, तो इसके चलते वीडियोज को एडिट करने वाले एडिटरों की भी मांग तेजी से बढ़ी है, लेकिन हमको और आपको इन फॉरवर्डेड वीडियोज की अपेक्षा अपने सूझबूझ पर ज्यादा भरोसा करना पड़ेगा, तभी हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। बरेली से रणदीप और राकेश कुमार सिंह के साथ रविशंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। तो इस पर चर्चा करते हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं इस वक्त लखनऊ से, शरद प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। तौकीर रजा कौन है, तौकीर रजा इतनी क्या अहमियत है शरद जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में, प्रियंका गांधी उनके साथ क्यों खड़ी होती हैं, कितने वोटों पर वो असर डाल सकते हैं, क्या वो इतने अहम हैं कि संबित पात्रा को उसके लिए आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़े? अब देखिए, संबित पात्रा तो कोई भी इस तरीके का इशू हो तो उसमें वो उनका बस चले तो घंटों बोल सकते हैं, लेकिन जहां तक तौकीर रजा का सवाल है, ये बड़े पुराने यहाँ के बरेलवी स्कूल के, जो इस्लामिक स्कूल के एक प्रोमिनेंट मौलाना रहे हैं, और हमेशा से इनका पॉलिटिक्स में दखल रहा है, क्योंकि उनके कहने पे माना जाता है कि एक बड़ा चंक ऑफ वोटर्स जो है वो उनके इशारे पे मूव कर जाता है, किसी भी जिस तरफ वो
इशारा करते हैं। तो ये इस वजह से इनकी पॉलिटिकल पॉलिटिशियंस में बहुत अहमियत रही है। किसी जमाने में कांग्रेस के सपोर्टर माने जाते थे, और लेकिन और पार्टीज वाले भी उनके पास जाते हैं। अब यहां तक एक्चुअली वो आज की डेट में उनके उनका वर्ड चलता है मुस्लिम कम्युनिटी पे, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी पॉलिटिशियंस में अभी भी होड़ लगी रहती है उनकी ब्लेसिंग्स लेने की। ये इनका इनका ये बैकग्राउंड है। हाँ, तो प्रियंका गांधी उनके साथ इस समय फोटो खिंचवाती हैं, उनके साथ सपोर्ट के लिए जाती हैं। तो मान लीजिए कि उनके कहने से कुछ वोटों पर असर पड़े, पर बरेलवी स्कूल के हैं ये, क्या इनके बयान जो हैं या इनके जो भाषण हैं वो किस हद तक खतरनाक या विभाजन करने वाले होते हैं? नहीं, इनका अभी ये जो मुझे जो जो अभी जिसका जिक्र चल रहा है, मुझे लगता है कि उनके जो उन्होंने जो क्लैरिफिकेशन दिया है उस बात में दम दिखता है कुछ, क्योंकि ये कहना कि वो इतनी देर की में से एक मिनट की क्लिप लेकर के और उसको मिसयूज किया जा रहा है, ये उनका कहना है। और वो ये भी क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को दे दिया कि आप देख लें इसमें क्या ऑब्जेक्शनेबल है। तो अगर कोई शख्स ये कह रहा है तो इट इज बेटर कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, बजाय इस पे ये सिर्फ उतना। देखिए, किसी भी वीडियो में से अगर कोई छोटी सी क्लिप ले ली जाए विदाउट कॉन्टेक्स्ट, तो जो अगर कॉन्टेक्स्ट नहीं है और रेफरेंस नहीं है तो उसका मिसयूज, उसको ट्विस्ट किया जा सकता है। और देखिए, ये काम करने में जो रूलिंग डिस्पेंसेशन है बहुत माहिर है, तो कोई ये भी मुमकिन है कि इसको ट्विस्ट करके इसलिए प्रोजेक्ट किया जा रहा हो। और जब जब भी शख्स कह रहा है जिसके अगेंस्ट आरोप है कि हमने पुलिस को दे दिया, तो क्यों नहीं पुलिस से क्लियर सामने देखो कर देते हैं कि भाई इसका ये कॉन्टेक्स्ट है ही नहीं, क्योंकि बड़ा आसान है भड़काने के लिए। देखिए, आज की डेट में बीजेपी काफी कोशिश में है कि किसी तरीके से ये इलेक्शन हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे हो जाए, कॉम्यूनल डिवाइड, बिकॉज उनके पास वही एक स्ट्रांग कार्ड रहता है जो उनको पिछले कई इलेक्शन में सक्सेस दे चुका है। चुनाव इस समय हिंदू मुस्लिम डिवाइड पे इस बार लग नहीं रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस पे चल रहा है, कोशिश उनकी वही रहेगी, क्योंकि वो चाह रहे हैं कि उनका जो ये जिसे कहा जाता है मंडल और कमंडल की लड़ाई, एक जमाने में हम लोग कहा करते थे जब लेट 80s में पहली दफा मंडल कमीशन आया था, तो कमंडल था रेफरेंस टू अयोध्या मूवमेंट और मंडल वॉज बैकवर्ड कास्ट। तो आज की डेट में फिर उसी का रिप्ले दिखता है, और ऐसी सूरत में जो कम्युनल कार्ड है वो फेल करता दिख रहा है, वो फेड कर रहा है। तो इस वजह से बीजेपी मेरा ख्याल पूरा प्रयास करेगी कि उसको फिर से किसी भी तरीके से डिवाइड पर ले आए। तो कोशिश है कि जिस पार्टी को जो मुद्दा सूट कर रहा हो उसको सामने लाया जाए, उसको भड़काया जाए ताकि कुछ पोलराइजेशन हो, कुछ वोट अपने खेमे में आए। एग्जैक्टली, तो ये तमाम चीजें चल रही हैं। हमारे साथ बने रहिए शरद जी। उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ हो रहा है, चुनावी राजनीति अपने पूरे शबाब पर है। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले आया राम गया राम का सिलसिला बहुत तेज हो गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में योगी सरकार के 3 मंत्रियों समेत बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के कुल 11 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने तोड़ लिया। तो आज बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के प्रथम परिवार में ही सेंध लगा दी। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की पत्नी अपर्णा यादव ने आज समाजवादी पार्टी छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया। अपर्णा यादव वैसे काफी समय से समाजवादी पार्टी में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी। 2017 के विधानसभा चुनावों में लखनऊ कैंट से वो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार भी बनी, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार रीता बहुगुणा जोशी से चुनाव हार गईं। उसके बावजूद अपर्णा यादव बीजेपी को लेकर काफी नरम दिख रही थी। कई बार वो प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ भी कर चुकी थी, जिससे समाजवादी पार्टी के लिए अक्सर असहज स्थितियां भी बनी। लेकिन इसका अंदाजा शायद सबको नहीं रहा होगा कि ऐन मौके पर जब अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी को सबसे बड़ी चुनौती दे रहे हैं तो वो समाजवादी पार्टी का साथ छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाएंगी। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पार्टी में शामिल होते ही अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी पर कई हमले किए और बीजेपी की तारीफ में कसीदे पढ़े। जवाब में अखिलेश यादव ने भी अपने ही अंदाज में उन्हें शुभकामनाएं भी दे दी। इस देश को हमें बचाना है
तो हमें राष्ट्रवाद के साथ चलना है और भाजपा हमेशा से राष्ट्रवादी पार्टी रही है। इसके चिंतन में, इसके मूल में संस्कारों का, धर्म का बहुत संरक्षण रहा है और मेरी बहुत आस्था है आदरणीय प्रधानमंत्री जी में, नरेंद्र मोदी जी में, स्टेट के हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री योगी आदित्यनाथ जी और जितने भी बड़े लोग हैं इनकी कमेटी में, सभी ने बड़े प्रेम और आशीर्वाद के साथ मुझे ये भरोसा दिलाया है कि वो बहुत अच्छे से जो है मुझे एक मौका देंगे और मुझे आगे बढ़ाने का काम। और अभी क्या बिल्कुल कुछ दिन पहले आई इलेक्शन, क्या आप चाहेंगे कि इलेक्शन लड़े, खास करके लखनऊ कैंट की बात कर रहे हैं लोग? देखिए, कैंट विधानसभा में मैंने पिछला इलेक्शन लड़ा था और जिस प्रकार से पार्टी मेरे लिए जो भी कुछ सुनिश्चित करेगी मेरे लिए वो शिरोधार्य रहेगा। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहां भी पहुंच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। आपको लगता है नेताजी का आशीर्वाद होगा इस समय? नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। तो शरद जी, अखिलेश कुछ मजाक के मूड में भी कह रहे हैं कि समाजवादी सोच जो है वो वहां पे भी फैलेगी, अच्छा है बीजेपी में गई। ये भी कहा कि नेताजी ने समझाने की काफी कोशिश की है। आप तो जान रहे होंगे क्या है ये यादव परिवार की समस्या जो अब परिवार की दहलीज पार कर गई है। देखिए, ये मुझे लगता है ये ऑप्टिक्स के बियॉन्ड कुछ नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकली अपर्णा, देखिए मेरे लिए अपर्णा से बड़ा क्लोज रिश्ता है, उसकी फैमिली से, तो शी इज जस्ट लाइक अ डॉटर टू मी। बट रियलिटी ये है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अपर्णा पॉलिटिकली जीरो है। जो कुछ उनकी जो प्रोफाइल है, वो आइडेंटिटी है, वो सिर्फ इस वजह से है कि वो मुलायम सिंह यादव की बहू है, उसके बियॉन्ड जीरो है। कि ये सोचना बीजेपी को कि वो बहुत बड़ा उन्होंने कोई सेंध लगा दी। देखिए, फैमिली में ऑलरेडी डिवाइड था, सारी दुनिया को मालूम है। पिछले इलेक्शन में जो हशर हुआ समाजवादी पार्टी का, वो इसी वजह से हुआ क्योंकि फैमिली में डिवाइड हो चुका था। तो आज की डेट में ये डिवाइड क्रिएट करके ये इंप्रेशन देना कि हमने बड़ी भारी चोट लगा दी है, अब मुझे लगता है बहुत ज्यादा बियॉन्ड प्रोपोर्शन इसको ब्लो अप किया जा रहा है बीजेपी द्वारा। क्योंकि बीजेपी, ये इसको एक हिंदी में कहावत है, खिसियानी बिल्ली खपा नोचे। अब वो खिसिया करके जो इतने बड़े बड़े लीडर्स चले गए, उसमें आप एक अपर्णा यादव को लिया है, तो क्या पॉलिटिकल मैसेज? कोई मुझे नहीं लगता, क्योंकि अपर्णा यादव तो स्वयं बहुत उतावली थी बीजेपी ज्वाइन करने में, ये आपने अपने कमेंट में भी कहा ऑलरेडी, और सबको मालूम है कि बहुत दिनों से डेस्परेट थी वो। पहले जो है उनको यादव कनेक्शन से कोई एडवांटेज नहीं मिल पाया रह करके वहां पे, उनको बहुत कोशिश करी, उन्होंने टिकट तो मिल गया था लेकिन उसमें वो प्रूव भी नहीं कर पाई अपने आप को, और पार्टी ने कभी उनको कोई तवज्जो नहीं दी समाजवादी पार्टी ने। तो अब उन्हें लगा कि अपना बिष्ट कनेक्शन यूज करें, और बिष्ट कनेक्शन इतना कारगर हो गया कि अल्टीमेटली उन्हें एंट्री मिल गई बीजेपी में। तो वरना मुझे नहीं लगता। और एक चीज मैं और आपको बताऊं, एक चीज ये भी दर्शाता है कि ये एक तरफ बात हो रही है कि अखिलेश यादव को चोट, चलिए मान लें, लेकिन इस फैमिली को, ये जो बिष्ट फैमिली है, इसको तो इंडेटेड होना चाहिए मुलायम सिंह यादव और यादव फैमिली को, क्योंकि इनकी सब कुछ मुलायम के ही ब्लेसिंग से रहा है। चाहे अपर्णा यादव की मदर की नौकरी रही हो, चाहे इनके पिताजी का इंफॉर्मेशन कमिश्नर बनना हो, ये सारी चीजें जो हैं इसी वजह से मिली है इनको। तो जो कुछ इन्होंने गेन किया लाइफ में, और देखिए जब फैमिली डिवाइड होता है तो लोग सक्सेशन जो है में बड़ा बैलेंस किया जाता है, तो मुलायम सिंह यादव ने भी बड़े अच्छे से बैलेंस किया कि भाई पॉलिटिकल सक्सेसर वो चाहती थी इसकी मदर साधना जी की वो बन जाए, लेकिन पॉलिटिकल सक्सेशन जो है वो अखिलेश के हाथ में गया। और इनको जो तमाम ये इतने बड़े बिजनेसेस के मालिक हैं प्रतीक, कि तमाम कंपनीज हैं इनके नाम पे, कंस्ट्रक्शन कंपनीज, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, मतलब जिसके आई डोंट नो कितनी उसकी वर्थ होगी, कितने मिलियंस में वर्थ होगी, लेकिन ये सबको मालूम है कि लखनऊ में अगर लैम्बोर्गिनी कार कोई चलाता है कई वर्षों से तो वो प्रतीक यादव। जी जी, तो अगर अगर जो है एक विरासत उनको मिल गई, दूसरी एक को मिल गई, तो इसमें जो है मुझे नहीं समझ में आता व्हाट इज द बिग डील कि बहुत बड़ा शायद इससे संतुष्ट
शायद इसे संतुष्ट नहीं थी अपर्णा यादव, और बीजेपी को भी एक मौका मिला और ये ऑप्टिक्स ही सही। लेकिन ट्विटर पे आज शरद जी बड़े तमाम तरह के मजाक चल रहे थे और लिखा जा रहा था कि एक ऐसा एग्जिट है जिससे दोनों ही पार्टियां खुश हैं, बीजेपी अपनी तरफ से खुश हो ले, समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से खुश है, क्योंकि यहाँ पे और अगर नगमा परमिट करें तो मैं बता दूं, एक इनको और एडवांटेज होगा अपर्णा, ये सारा कुछ विन 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 अपर्णा के लिए है, बीजेपी के लिए नहीं है। अब अलावा इसके कि इनको वहां से टिकट मिल जाए, एक और भी है, इनकी मदर के खिलाफ कुछ करप्शन चार्जेस थे लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी में, सीरियस चार्जेस थे उनका, आई थिंक सस्पेंशन भी हो गया था, फिर एलडीए से रिवर्ट कर दी गई थी नगर पालिका जहां उनका पेरेंट जॉब था, उसके बाद काफी दिन इंक्वायरी चली, तो वो सब जांच वाच भी मेरा ख्याल सब रफा दफा हो जाएगी अब, क्योंकि उससे भी बच जाएंगे, तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। हाँ, सबसे बड़ा तो मुद्दा यही निकल के आया, धन्यवाद शरद जी इसको सामने लाने के लिए। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है जैसा शरद प्रधान बता रहे हैं कि बीजेपी में चली गई हैं अगर अपर्णा यादव, तो बीजेपी को इससे कोई खास फायदा हो जाएगा, क्योंकि पॉलिटिकली एक्टिव वो वैसे भी नहीं थी, उनकी अपनी कोई राजनीतिक जमीन है नहीं, अगर राजनीतिक पहचान है तो ये कि वो मुलायम सिंह यादव परिवार की, मुलायम सिंह यादव की वो बहू है, उनके छोटे बेटे प्रतीक यादव की पत्नी है। तो ये चुनाव का मौसम है, ऐसा आना जाना लगा हुआ है, और कुछ देखने में अच्छा लगता है कि चलिए मुलायम सिंह यादव के परिवार में ही सेंध लगा दी बीजेपी ने। इसे सियासत में तोड़ने जोड़ने और निकालने का यह सिलसिला जो है उत्तराखंड में भी खूब चल रहा है। अभी वहां पर दोनों ही बड़ी पार्टियों कांग्रेस और बीजेपी ने अपनी लिस्ट जारी नहीं की है, दोनों ही पार्टियां अपनी लिस्ट फाइनल करने में लगी हुई हैं, लेकिन कुछ सीटों को लेकर दोनों ही पार्टियां असमंजस में हैं। इस बीच उत्तराखंड की राजनीति का एक पुराना चेहरा इस चुनाव में भी सुर्खियों में है, ये है हरक सिंह रावत, जो सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं। पिछले ही दिनों उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें आधी रात को कैबिनेट से निकालने का फरमान जारी किया और बीजेपी ने तुरंत 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने और कांग्रेस के नेताओं से संपर्क में रहने का आरोप लगा। इसके बाद से हरक सिंह रावत के वापस कांग्रेस में लौटने की चर्चा जोरों पर है। यहां ये याद रखना जरूरी है कि 18 मार्च 2016 को हरक सिंह रावत और विजय बहुगुणा समेत 9 कांग्रेसी विधायकों के पाला बदलने से बजट गिरा और हरीश रावत सरकार भी गिर गई थी। आपको उस दिन का वो वीडियो दिखा देते हैं जिसका जिक्र हरीश रावत कर रहे हैं, ताकि उत्तराखंड विधानसभा का वो वाकया आपको याद आ जाए। हम 35 हैं, 9 कांग्रेस के और 26 बीजेपी के, 35 9 कांग्रेस के। सरकार प्रकाश, सरकार बजट पे अनुमत पे आ गई है, सरकार अनुमत पे आ गई है। हरक सिंह रावत, विजय बबना, शुभा दुनियाल चैंपियन, अमृता रावत, सारा रानी रावत, प्रदीप बत्रा, उमेश शर्मा और राजकुमार, 9 लोग हैं, पूरे 9 लोग। नंबर 1 विजय बगना, हरक सिंह रावत, शुभ दुनियाल, चैंपियन सारा रानी रावत, अमृता रावत, प्रदीप बत्रा, डॉक्टर सिंगल हो गए। नो हम सरकार के स्पीकर पास का हुआ बजट, मंत्री जी बजट बजे क्या है, बजट पास नहीं हुआ, बजे क्या है, बजे क्या है। अरे हमने बजट बजट के खिलाफ मतदान किया, हमने नौ कांग्रेस हरीश राव के बजट से सहमत दी थे, इसलिए हमने बजट के खिलाफ मतदान किया। बीजेपी में शामिल हो गए। और अब विवादों से पुराना नाता रखने वाले हरक सिंह रावत वापस कांग्रेस में लौटने की तैयारी में लग रहे हैं, लेकिन पेच यह है कि हरक सिंह रावत आते हैं तो उत्तराखंड में कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे हरीश रावत के लिए स्थिति असहज हो जाएगी। हरीश रावत प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके से हरक सिंह रावत को लेकर विरोध जता चुके हैं, लेकिन पार्टी के बाकी नेताओं के आगे वो बेबस से दिख रहे हैं। मेरा निर्णय नहीं है, पार्टी को निर्णय करना है, और पार्टी का जो भी निर्णय होता है हरीश रावत उसको हमेशा सिरोधार्य करता है। क्या आपको लगता नहीं है कि पार्टी में हरक सिंह के आने के बाद, क्योंकि उनके पास कहा जाता है बहुत मोटी थैली है
बीजेपी जो और वो जो है कुछ ये भी ऑफर कर सकते हैं कि हम लोगों को चुनाव लड़ाने के लिए फंड भी ला सकते हैं, ये सब दबाव भी हो सकता है पार्टी पर। देखिए ये रियल पॉलिटिक्स है तो उसमें उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उसको पार्टी को देखना है। क्योंकि यदि पार्टी का हित है तो पार्टी के हित में हरीश रावत का हित भी निहित है और पार्टी की सोच में मेरी सोच भी सम्मिलित है। लेकिन इस समय तक जो स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है वो मैंने एनडीटीवी के माध्यम से रख दिया। एक अंतिम बार पूछूंगा सर, हरक सिंह के आने से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी? पार्टी को आप कहेंगे यदि पार्टी लेती है तो आप कहेंगे ठीक है आ जाओ? जबकि देखिए पार्टी को कई आयामों कई तरीके कई बातें देख करके कुछ निर्णय करने पड़ते हैं। पार्टी का हर निर्णय ऐसा नहीं है कि वो मुझको लोरी जैसा लगता हो। कभी कभी कुछ निर्णय हमको कटु भी लगे लेकिन अनंतोगत्वा हमने माना वही जो पार्टी ने तय किया है। लेकिन आपको लगता नहीं कि वो हर जगह मलाई खाने के लिए आ जाते हैं अंतिम टाइम में? ये हिंदुस्तान की राजनीति की विडंबना है और जनता जनार्दन भी मलाई खाने वालों को पुरस्कृत कर देती है, राजनीतिक दल भी क्या करे। ये बात इस बार आपके सामने किस जी जी आप अपनी बात पूरी करें। मैंने कहा किसके पास जा शिकायत लेकर के जाए कि भाई ये मेरे अरमानों का खून क्यों हो रहा है, हर कोई तो दस्ताने पहने हुए है शहर में। बहुत परिस्थितियां बदल गई, नदी में बहुत पानी बह गया 5 साल उसके बाद। हरीश साहु जी मेरे बहुत ही देखिए, मैं उसके बाद मैंने उनको अपने बेटे की शादी में न्योता दिया, वो 3 घंटे उसमें रहे, अपने बड़े भाई की तरह उन्होंने भूमिका निभाई। तो देर सवेर ऐसे तो मेरे भी बहुत सारी नाराजगी थी उनको उनसे, लेकिन समय के साथ सारे घर हर घाव भर जाता है। और मैं सोचता हूँ कि उत्तराखंड के भले के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए, देखिए हम कोई राजनीति कर रहे हैं अपने लिए तो कर नहीं रहे। प्रदेश अध्यक्ष जी का, गोदियाल जी का मुझको टेलीफोन आया, उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ कांग्रेस में सम्मिलित हो जाएं। प्रीतम सिंह जी का आया, देवेंद्र यादव जी का मुझको फोन आया, हरीश भाई का मैं कुछ चीजें नहीं बताऊंगा लेकिन ठीक है। तो वापसी हो रही है कि नहीं? वो भी चाहते हैं कि अब मैं देखिए, अभी तक तो मुझ पर कोई, मैंने उन्होंने मुझसे कहा है तो मैंने अभी कोई फाइनली विचार ऐसा नहीं बनाया, लेकिन जो भी निर्णय होगा आज कल में इस विषय पर मामला अटका तो कोई प्लान बी भी है क्या आपके मैं पास? कांग्रेस में जाऊं? नहीं, मैं देखिए मैं क्योंकि मैं मेरे लिए हथपट था, पहले से कोई प्लानिंग नहीं थी। देखिए अब कोई प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि अगर कोई निर्णय लूंगा मैं तो एक दिन के लिए तो लूंगा नहीं, एक दो दिन के लिए तो लूंगा नहीं। मैंने जब 2016 में भाजपा में सम्मिलित हुआ था तो मैंने सोचा था कि मैं बिल्कुल अब पार्टी नहीं बदलूंगा, ठीक। लेकिन परिस्थितियां बन गई तो आज इन परिस्थितियों के लिए मैं दोषी नहीं हूं और इसलिए मेरे कोई गिलवा शिकवा मेरे मन में नहीं है। तो अब देखना है कि इस उहापोह की स्थिति में कांग्रेस हाईकमान क्या फैसला लेता है। वैसे इस ऐसे मामलों में उहापोह क्यों होनी चाहिए, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है, तो इंतजार करते हैं कि इस मसले पर कांग्रेस क्या करती है। उधर पंजाब की राजनीति भी प्रवर्तन निदेशालय के छापों से गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपेंद्र सिंह हनी और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापों में अब तक करीब 10 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इनमें से 8 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के भांजे के घर से मिले। इसके अलावा 21 लाख रुपए का सोना मिला। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि ये छापे सियासत के तहत मारे गए हैं और इसके जरिए किसी तरह उनका नाम जोड़ने की साजिश की जा रही है। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट। बिस्तर पर रखी नोटों की ये गड्डियां ईडी ने बरामद की हैं। ईडी सूत्रों का दावा है कि ये पैसा पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपिंदर सिंह हनी और उसके सहयोगियों के घर से बरामद हुआ है। करीब 8 करोड़ रुपया हनी के घर से, जबकि बाकी 2 करोड़ उसके सहयोगियों के घर से बरामद हुआ है। रेत के अवैध खनन को लेकर मंगलवार सुबह से ईडी की छापेमारी पंजाब में 10-12 जगहों पर चल रही है। इसे लेकर अब सियासी पारा गर्म है।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਕੋਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। 24 ਘੰਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਾਉਣ ਨਹੀਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਕੋਰਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। रेत के अवैध खनन का यह मामला 2018 का है, जब पंजाब पुलिस ने नवांशहर में केस दर्ज किया था। इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है और पंजाब चुनाव के ठीक पहले मोहाली, जालंधर, पटियाला समेत 10-12 जगहों पर छापेमारी शुरू की है। चन्नी साहब की सरकार आई, आम आदमी पार्टी इस छापेमारी के बाद चन्नी को आड़े हाथों ले रही है। क्या हम ऐसा पंजाब बनाना चाहते हैं जिस सूबे के मुख्यमंत्री पर नजायज रेते के खनन, नजायज रेते की माइनिंग के चोरी के आरोप लगे, उसके परिवार वालों के घरों से करोड़ों रुपए लगे मिले। चन्नी साहब की सरकार आई तो वो खुद रेता माफिया बनके करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, बड़ी बड़ी एजेंसियों की रेडें इन पे हो रही हैं। क्या फर्क रह गया बादलों में और चन्नी साहब में, ये मैं आज पूछना चाहता हूं। इस रेड को लेकर पंजाब में सियासी पारा गर्म है, हालांकि ईडी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान अब तक नहीं आया है। नई दिल्ली से मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश में नई आबकारी नीति के सियासी मायने हैं। सरकार ने शराब सस्ती कर दी है, ये और बात है कि पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल कहा था कि वो 15 जनवरी 2022 तक शराबबंदी करवाएंगी, नहीं तो सड़कों पर उतर जाएंगी। लेकिन ठीक दो दिन बाद शराबबंदी तो दूर, शिवराज कैबिनेट ने नई शराब नीति का ऐलान कर दिया। आपने जनवरी से मध्य प्रदेश में शराब के खिलाफ 15 जनवरी याद है रिपोर्ट में, क्योंकि मकर संक्रांति है ना 14 को, तो 14 तक मेरे को गंगा सागर पहुंचना है। मकर संक्रांति को गंगा जी का जो जल है वो गंगा सागर में मिलाना है, उसके बाद लौटूंगी। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने पिछले साल सरकार को शराबबंदी के लिए 15 जनवरी तक अल्टीमेटम दिया था, वो मध्य प्रदेश की सड़क पर तो नहीं उतरी। हाँ, सरकार ने नई आबकारी नीति में शराब जरूर सस्ती कर दी। जो मध्य प्रदेश की है उसको भी 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक जो प्रस्तावित थी उसको आज अनुमति प्रदान कैबिनेट के द्वारा की गई है। राज्य सरकार ने तय किया है कि शराब की नई दुकान तो नहीं खुलेगी, लेकिन विदेशी शराब में 10% से 13% तक की एक्साइज ड्यूटी कम कर दी गई है। एक ही दुकान पर अंग्रेजी और देसी दोनों शराब मिल जाएंगी। राज्य में फिलहाल 2544 देसी, 1061 विदेशी शराब दुकानें हैं। अंगूर के अलावा जामुन से भी शराब बनाने की अनुमति दी जाएगी। लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रुपए है वो घर पर बार भी खोल सकेगा। भोपाल और इंदौर में माइक्रो बेवरेज को मंजूरी मिली है, जिसमें रोजाना 500 से 1000 लीटर शराब बनाने की क्षमता होती है। एयरपोर्ट पर अंग्रेजी शराब की दुकानें होंगी, मॉल में काउंटर पर भी वाइन मिल सकेगी। हालांकि कैबिनेट मंत्री इसमें ही हाथ जोड़ रहे हैं कि नई दुकानें नहीं खुलेंगी। निशाने पर बिहार की शराबबंदी भी है, वहीं कांग्रेस उमा भारती के बयान से सरकार को घेर रही है। शिवराज सिंह साहब को धन्यवाद और आभार करता हूं कि उन्होंने प्रदेश में एक भी देशी विदेशी मदरा की दुकान या उप दुकान खुलने की अनुमति नहीं दी। बिहार में बंद हुई, कानूनी रूप से बंद हो गई, अवैध बिक रही, तो हमको कानूनी के साथ साथ अवैध बिक्री ना हो इसके लिए जनमानस में माहौल बनाने का काम हम सबको करना चाहिए। जब हम इस काम को कर पाए तब हमको सरकार से मांग करनी चाहिए। उमा भारती जी क्या कह रही हैं इस पर भी थोड़ा सोचना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ
सरकार के खिलाफ भी और नशाबंदी को लेकर प्रांतव्यापी आंदोलन करेंगी, वो कहाँ है? प्रद्युमन सिंह जी क्या कह रहे हैं ये अलग बिंदु है, लेकिन सरकार प्रोहिबिशन के लिए कोई गंभीरता से नहीं ले रही है। बहरहाल सियासत नफा नुकसान के बीच भिंड जिले के इंदुरखी गांव में कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से दो सगे भाई सहित तीन लोगों की मौत हो गई। कार्रवाई हुई है, दो थाना प्रभारी निलंबित हुए, पांच पुलिसकर्मी लाइन अटैच हो गए। पूर्व में यहाँ पे दो लड़कों की मृत्यु हुई थी संदिग्ध रूप से, जिसमें अवैध शराब के संबंध में बात आई थी। उसके बाद परसों रात में एक और व्यक्ति की मृत्यु हुई थी। वैसे मॉनसून सत्र में महज 5 मिनट में मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 पास हुआ था, जिसमें जहरीली शराब से संबंधित अपराधों के लिए सजाए मौत तक का प्रावधान है। शराबबंदी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सड़क पर उतरती उससे पहले ही शिवराज सरकार ने तराना छेड़ दिया कि हुई सस्ती बहुत ही शराब कि ज़्यादा ज़्यादा पिया करो। ये बात मजाक में कही गई, लेकिन सियासी तौर पर बेहद गंभीरता से शिवराज सरकार ने उमा भारती को अप्रासंगिक कर दिया है। उनकी हालत न खुदा मिला न विसाले सनम की हो गई है। एक और बात कि इससे मध्य प्रदेश सरकार का मय प्रेम दिख रहा है, और भले ही वो अवैध शराब के प्रति कठोर कानून बनाने की बात कर रही हो, लेकिन जमीन पर हालात जुदा हैं। भिंड से दिलीप और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।